हेलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे तो दोस्तों आज मैं बहुत ही न्यूट्रिशन फुल रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे बच्चे से बड़े तक और बड़े से बुज़ुर्गों तक बहुत ही पसंद किया जाता है बहुत ही लाजवाब है सब अपनी तरह से बनाते हैं लेकिन आज मैं इसको नए तरीके से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी प्यारी और न्यू रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों खाने के ऊपर जब कभी मीठा खाने का मन करे तो ये एकदम हेल्दी और न्यूट्रिशन फुल रेसिपी है दोस्तों एक से दो पीस खा लीजिए इसमें कैल्शियम प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में भरे पड़े हुए हैं दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे फुल फैट का मैंने दूध ले लिया है यहाँ पे दो लीटर दूध लिया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो दोस्तों और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो चम्मच मैंने पहले ही पानी डाल दिया है इससे क्या होगा जो हमारी दूध है तले में चिपकेगी नहीं जलेगी नहीं और हमारी रेसिपी खराब नहीं होगी पानी के बदले आप एक चम्मच घी भी डाल सकते हो घी देने से भी क्या होगा कि जो हमारी दूध है तले में नहीं चिपकेगी और जलेगी नहीं दोस्तों तो एक एक करके सारे जो दूध हैं हम इसमें दे देते हैं दोस्तों तो सारे पैकेट में काट के इसमें डाल देती हूँ रेसिपी के लिए फुल फैट मिल्क ही आप इस्तेमाल कीजिएगा जो पतली वाली दूध होती है वो बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिएगा फुल फैट दूध से क्या होगा ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनेगी टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा खोए का तो इसको एक बॉइल ने हम दूध का आने देते हैं गैस मैंने जला लिया है दोस्तों तो ये लीजिए दोस्तों दूध में अच्छा खासा बॉयलनेस आ गया है दोस्तों तो अब हमें गैस का फ्लेम एकदम मीडियम कर देना है और दूध को तब तक बॉयल होते देना है जब तक ये दो लीटर दूध हमने लिया था आधा लीटर पे एकदम खोया का जैसा टेक्सचर होता है ना उस कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता है दोस्तों तो इतना पका लेते हैं हम दूध को और साइड साइड में अगर लगता जाएगा तो आप खरोच खरोच कर सारे दूध में खोया में देते जाइएगा जिससे इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा साथ ही साथ आप इसको बीच में लाड़ते भी रहिएगा ताकि अंदर जले ना दोस्तों तो बस इसको हम रिड्यूस होने देते हैं जब तक ये खोया का टेक्सचर में नहीं आ जाता है दोस्तों तो जब तक हमारी दूध रिड्यूस हो रही है तो यहाँ पे सफ़ेद तिल मैंने ले लिया है लगभग तीन ग्राम मैंने सफेद तिल लिया है दोस्तों दोस्तों तिल तो काफ़ी भरपूर मात्रा में प्राकृतिक गुणों से भरपूर है दोस्तों तो इसमें प्रोटीन कैल्शियम आयरन जिंक बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिशन मेडिकल न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ भरे हुए हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी है दोस्तों बहुत ही हेल्दी है तिल पे एक बेस वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिएगा बहुत ही हेल्दी होती है काला तिल और सफ़ेद तिल इसकी आप बर्फ़ी खाएँ लड्डू खाएँ या फिर चटनी खाएँ कुछ भी खाएँ बहुत हेल्दी होता है किसी न किसी रूप में इसका सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों और आपके ज्वाइंट पेन है कोई भी पेन है बैक पेन है तो इसमें भी काफ़ी तिल हमारी लाभकारी होती है दोस्तों तिल का तेल भी आता है जिसका सेवन किया जाता है दोस्तों बहुत ही हेल्दी होती है तिल की तेल और जिनको खून की कमी है दोस्तों खून की कमी से एनेमिया जैसी भयंकर बीमारी होती है बार बार आप बीमार पर जाते हैं दुर्बल रहते हैं तो तिल का सेवन करने से खून की कमी भी कम होती है दोस्तों और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ता है तो तिल का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों और आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मात्र दो चीज़ों से मिलकर बनेगा और खाने में इतना टेस्टी इतना डिलेशियस है जब भी कभी आपको एकदम मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होगी तो आप इसको एक पीस दो पीस खा के अपनी मीठा खाने की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों तो ऐसी ही घर की बर्फ़ी लड्डू वगैरह सब जो है हमें बना के स्टोर करना चाहिए अपने फ़ैमिली के लिए अपने बुज़ुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए दोस्तों ताकि उनका जो स्वास्थ्य है एकदम हरा भरा रहे वो कभी बीमार ना पड़े बहुत ही हेल्दी रहें घर की जो भी चीज़ होती है बहुत ही हेल्दी होती है बच्चों के लिए खासकर बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत हेल्दी होती है तो घर में ऐसी ही हेल्दी हेल्दी चीज़ बनाया कीजिए और अपने परिवार को खिलाया कीजिए तो तिल को तब तक भूनना है जब तक कि अच्छी तरह से चटक ना जाए एकदम लाइट ब्राउन ना आ जाए जलाना बिल्कुल नहीं है और तिल जब तक फूल ना जाए दोस्तों तो बस इस तरह से हम तिल को भून लेते हैं एकदम लो टू मीडियम पे जलाना बिल्कुल नहीं है तिल को तो ये लीजिए दोस्तों तिल अच्छी तरह से फूल गए हैं चटक गए हैं सुनहरा कलर आ गया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा सा तिल को हम ठंडा होने दें तो ये लीजिए दोस्तों तिल अच्छा खासा ठंडा हो गया है सारे तिल को हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं तो ये लीजिए दोस्तों सारे तिल इसमें हमने डाल दिया है भुने हुए अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों साबुत हरी इलायची है पाँच तो इसी में देखे हम ग्राइंड कर लेते हैं जिससे क्या होगा तिल और जो इलायची है आपस में रच बस जाएंगे फ्लेवर बढ़िया आएगा आप चाहो तो साबुत इलायची के बजाय जो पाउडर होती है इलायची का उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़िया आता है साबुत इलायची का और जब आप इसका पाउडर बनाओ तब आप इसको तिल को गरम में मत ग्राइंड कीजिएगा ठंडा होने दीजिएगा उसके बाद ग्राइंड कीजिएगा नहीं तो ऑयल रिलीज हो जाएगा साथ ही साथ तिल को ग्राइंड करते समय हम बंद खोल बंद खोल करके ग्राइंड करेंगे कंटिन्यूसली अगर आप तिल को ग्राइंड करोगे तो इससे भी तेल रिलीज हो जाएगा तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ अगर आपकी तिल ज़्यादा है तो आप दो भागों में दो ट्रिप में क्या कीजिएगा तिल को ग्राइंड कीजिएगा लेकिन मेरे एक ही ट्रिप में हो जाएगा और मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ तो ये लीजिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड किया है आप चाहो तो इसको फाइन भी ग्राइंड कर सकते हो और इलायची इसमें अच्छे से ग्राइंड हो गया एकदम ब्रच बस गया है तो यहाँ पे हमारा दूध भी अच्छा खासा कम हो गया है लेकिन अभी खोया की कंसिस्टेंसी पर नहीं आया है तो इसको और थोड़ा सा हम रिड्यूज़ होने देते हैं दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो दूध है एकदम रिड्यूस होते होते रबड़ीदार कंसिस्टेंसी पे आ गई है इस स्टेज पे आप अपना गैस का फ्लेम कम कर लीजिएगा नहीं तो अंदर थोड़ा सा लग जाएगा अगर हाई फ्लेम पे रहेगा अब हम इसमें मिठास ऐड करेंगे दोस्तों तो मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हो मेरी मोटी वाली चीनी है तो मैं इसको बिना पीसे ही हुए डाल रही हूँ आप चाहो तो मिक्सी में ग्राइंड करके दे सकते हो तो अढ़ाई सौ ग्राम ये हमारी मोटी वाली चीनी है दोस्तों तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे तो मैंने कहा था कि बिना चीनी के भी आप इसे बना सकते हो दोस्तों आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो जो मिठास आती है मिश्री का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो या फिर आप सिर्फ़ इसमें चीनी वगैरह गुड़ जो भी है मिठास का वो ना ऐड करके दूध और सिंपल तिल जो हमारा तिल का पाउडर है उससे भी बना सकते हो तो वो एकदम शुगर फ्री आपकी ये रेसिपी हो जाएगी तो डायबिटिक पेशेंट आराम से उसे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि दूध तो हमारी फुल फैट की थी और रिड्यूस होते होते क्या हो गया ये गाढ़ा हो गया तो दूध अपने आप में ही मीठा होता है तो कोई भी जो मिठास वाली सामग्री है बिना ऐड किए हुए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो तो इसको थोड़ा सा और हम पका लेते हैं तो दोस्तों इस, इस स्टेज पे कंटिन्यूसली इसको लाटते रहिएगा छोड़ के मत जाइएगा और केयरफुली कीजिएगा क्योंकि आप देख सकते हो बड़े बड़े बबल्स छीटे उड़ रहे हैं तो पकने का भी चांस रह सकता है इसीलिए केयरफुली इस स्टेज को आप हैंडल कीजिएगा दोस्तों तो दोस्तों ये एकदम शुद्ध और देसी तरीका है इस रेसिपी को बनाने में इस तरह से जब आप बना के ये रेसिपी खाओगे ना तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है गांव घर में ऐसे ही लोग बना के खाते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहो तो इसके एवेज में जो रेडीमेड खोआ होती है ना या पहले से आप खोआ बना लोगे तब आप ये रेसिपी को बना सकते हो लेकिन इसी तरह से आप बनाइएगा एक बार ट्राई कीजिएगा आनंद आ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों जब हम इसमें चीनी डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन आप डरिएगा मत देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है जो हमारी तिल की पाउडर थी आप धीरे धीरे गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा धीरे धीरे इसमें हम अपना पाउडर डालेंगे और मिलाते जाएंगे एकदम जल्दी करना है इस स्टेज पे धीरे मत कीजिएगा और छोड़िएगा भी नहीं ये देखिए सारा पाउडर इसमें डाल रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको मिला रहे हैं दोस्तों अच्छी तरह से मिला लीजिएगा बढ़िया से तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है यार तो दोस्तों अच्छी तरह से पूरा मिला दिया है और गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब ये अच्छी तरह से मिल गया है इसको थोड़ा सा क्योंकि अभी बहुत गर्म है हाथ लगाने लायक नहीं है थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए जिससे आप इसको टच कर सकें तो दोस्तों हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा छोटी बड़ी जैसी भी आपको लड्डू बनाने की इच्छा है वैसी आप बना लीजिएगा यहाँ पे मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ ना तो छोटी बना रही हूँ ना तो बड़ी एकदम मीडियम साइज की लड्डू बन रही है हमारी तो ये देखिए दोस्तों बनाने में कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है और ये देखिए कितना प्यारा सा गोल मटोल सा खोएदार हमारी ये लड्डू बन के रेडी हो गई है इसको इस प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ मटोल एकदम खोएदार एकदम परफेक्ट शेप में बढ़िया आपका खोएदार तिल का लड्डू बन के रेडी हो गया है देखिये बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे एक प्लेट में एडजस्ट नहीं हो रहा था दोस्तों ये देखिए कितना सुपर लग रहा है एकदम कहीं भी टूटा फूटा नहीं है एकदम परफेक्ट सेप का बन गया है एक ही साइज का सारे लड्डू हमने बना लिए हैं दोस्तों तो ये देखिए दोस्तों सारे एक प्लेट में मैंने एडजस्ट कर दिए हैं ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है तो दोस्तों मेरे मुंह में तो पानी आ गया दोस्तों और इस रेसिपी को इस लड्डू को आप बर्थ वगैरह सब में भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही न्यूट्रिशन फुल है दोस्तों एक पीस से दो पीस आप खा लोगे ना बर्त में तो एकदम एनर्जेटिक बने रहोगे और बर्थ में भी आप थकान महसूस नहीं करोगे सुस्ती महसूस नहीं करोगे और सारे घर के काम पूजा पाठ के काम आप कर सकते हो इसको आप भोग में भी भगवान के भोग प्रसाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही मुलायम एकदम सॉफ्ट है दोस्तों आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे सूखी हुई नारियल को कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हो साथ में किशमिश भी डाल सकते हो ड्राई फ्रूट्स काजू पिस्ता अखरोट जो है वो भी डाल सकते हो लेकिन मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ इसको बनाया है ताकि बहुत ही ईजी सरल तरीके से सबको इसे बना सके दोस्तों बहुत ही हेल्दी होती है इस तरह की लड्डू आप घर में बना के स्टोर कीजिए बच्चे से बड़ों तक को दीजिए बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी है बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स होती है एक लड्डू आप रोज़ाना खाइए और तंदुरुस्त रहिए दोस्तों कई सारी कमजोरियों को आप दूर भगाइए दोस्तों देख सकते हैं मैं चारों तरफ वीडियो में दिखा दे रही हूँ कि ये लड्डू कितना परफेक्ट है कितना बढ़िया है एकदम खोएदार की एकदम शुद्ध देसी तरीके से घर पे बनाया हुआ ये लड्डू है मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो इस ट्रिक से इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए आनंद आ जाएगा बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाएंगे बर्थ के दिन में आप इसे टिफिन में भी ले जा सकते हो दोस्तों उपवास में और वैसे भी आप अगर मीठा खाने के शौकीन हैं और मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने पे एक दो पीस इसे आप जरूर खा सकते हो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों बच्चे बूढ़े और जवान सब इसे बहुत चाव से खाएंगे दोस्तों बहुत ही हेल्दी है एकदम मिलावट रहित आपकी ये देसी लड्डू है दोस्तों खोएदार लड्डू तो दोस्तों आप इसको चौदह से पंद्रह दिन एयर कंटेनर डब्बे में स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में रखोगे तो ये बहुत ही अधिक दिन रहेगा दोस्तों बहुत ही हेल्दी है तुरंत खराब होने वाली नहीं है उसके बाद जब खत्म हो जाए तो आप इस तरीके से फिर इस रेसिपी को बना के स्टोर करके रखिए दोस्तों तो दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही मुलायम है इतनी मुलायम है इतनी सॉफ्ट है इसको आप देखिए एकदम माखन की तरह जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी एकदम मुंह में लेंगे घपा घप पेट में चला जाएगा चबाने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों तो इस ट्रिक से इस रेसिपी को बनाइए अपना हेल्थ बढ़ाइए और ये रेसिपी खा के मुझे याद करते रहिए तो जब तक ऐसी रेसिपी से मिलती हूँ तब तक आप खुश रहिए आवाज़ रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी दोस्त को ये प्यारी सी रेसिपी ट्राई करके याद करते रहिए बाय बाय टेक केयर